हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपको चर्चा करते हैं कि सरकारी नौकरी जो होता है वो कैसे पाया जाए, उसके लिए क्या पढ़ें कि सरकारी नौकरी पाया जाए। और ये वन डे एग्ज़ाम की प्रॉपर बात कर रहे हैं, न कि आईएएस पीसीएस बहुत बड़ी एग्ज़ाम की। वन डे लेवल की जो नौकरियाँ होती हैं उसके लिए हम क्या पढ़ें कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इसके लिए जो इस समय मार्केट में या फेसबुक पे और यूट्यूब पे दुनिया भर का चल रहा है उससे बहकावे में आपको नहीं आना है। जो फैक्ट चीज़ है उसको पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो गलत हैं, वो सब अच्छे कंटेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो वन डे एग्जाम लेवल की तैयारी करते हैं उसके लिए प्रॉपर 3-4 आयोग होते हैं जहाँ से नौकरियां निकलती हैं अच्छे पैमाने पे, बड़ी संख्या में, और उसी के जरिए लोग सेलेक्ट होते हैं। तो जैसे पहले अगर आप यूपी के हैं तो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, इसके थ्रू निकलता है। एक रेलवे के थ्रू निकलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी होती है, एक एसएससी के थ्रू। हम तीन जो भर्ती बोर्ड हैं उनकी बात आपके सामने कर रहे हैं, क्या इसके लिए पढ़ें, क्या रणनीति रहे जिससे कि आसानी से हो जाए। तो देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी की सामान्य जो भर्ती होती है, परीक्षाएं होती है, उसमें इसके जो सिलेबस है वो हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, मैथ है, ये ओवरऑल सबका है जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है। यही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कहीं जैसे पेट वगैरह में 2-4 इंग्लिश पूछ लिया है, वो अलग चीज़ें हैं। जो मेन है सिलेबस वही है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, गणित है, मैथ, ठीक है। ये चीजें यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आपको पढ़ना होगा, नौकरी पाने के लिए पढ़ना होगा। अब हम आते हैं, देखिए तुलनात्मक बता रहे हैं, ये पढ़िएगा कि रेलवे में मैथ पढ़ना होगा, जीएस जीके जहां मैं जीएस की बात कर रहा हूं तो जीएस की बात मतलब जितने भी हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, और ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, साइंस में तीनों सेक्टर हो गया, करंट हो गया इसी में, तो जितनी चीजें सब जीएस जीके की बात पूरी की हो रही है। और रीजनिंग, गणित और जीएसजीके जो हो गया, और रीजनिंग, इस जीएसजीके में ही स्टैटिक जीके आता है जो करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, इससे पूछा जा रहा है, ठीक। ये रेलवे बोर्ड के थ्रू होता है, सिलेबस इसका है। अब हम एसएससी पे आते हैं। एसएससी में मैथ पूछता है, रीजनिंग होता है, जीएसजीके है, इंग्लिश है, और कहीं इस समय कंप्यूटर वगैरह भी डाल रहे हैं, वो उसकी भी चर्चा होगी आगे, फिलहाल देखते हैं। ये इंग्लिश और एसएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर जो टॉपिक है वो है मैथ और इंग्लिश, ये दोनों आना बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी। आप